Hello friends, and welcome to another video of KR Market Gurukul. So before proceeding further, आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा और जेन्युइन कंटेंट एक मिलते रहेगा. इट्स नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज, राइट. यहाँ पे आपको जो है एक एक्सपीरियंस है हमारे, और हमने जो वहाँ पे कंसेप्ट डेवलप किए हैं थ्रू आर ओन हार्ड वर्क एंड थ्रू अ वास्ट हमारा जो रीडिंग है या काइंड ऑफ जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए एंड काफ़ी आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे. वी डू नॉट बिलीव इन जस्ट टीचिंग थियोरेटिकल स्टफ. तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियोज़ को यहाँ देख सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली रियलाइज द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो यहाँ पे आपको दिया है. तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड उसको आप एंड तक देखिए ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके. ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी चार्ट. निफ्टी डेफिनेटली गैप डाउन ओपन हुआ है, बट ये काइंड ऑफ अ ट्रैप कैंडल है, और जो इनिशियली यहाँ पे इस गैप डाउन कैंडल के बाद जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, मार्केट ने उसको बहुत बढ़िया ट्रैप किया. इसीलिए जब भी गैप अप गैप डाउन की केस होता है, आपको उस केस में ओपनिंग 15 मिनट्स की कैंडल देखिए बार बार आपको बताया जाता है. एंड अगर अभी भी आप गैप के केस में गलतियाँ कर रहे हो या आप नहीं समझ पकड़ पा रहे हो ट्रेंड को, तो देन आपको पहले समझिए, सीखने की ज़रूरत है. ब्लाइंडली आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना, राइट. सो यहाँ पे हमने देखा गैप अप हुआ, बट गैप अप के बाद काफ़ी एक बुलिश कैंडल बनी है, और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी क्लीन ब्रेक किया है प्रीवियस डे हाई को एंड ओपनिंग कैंडल के हाई को गैप के केस में. एंड यू कुड सी काफ़ी एक मोमेंटम बहुत अच्छा, जो दो वीक पहले हमारा हाई 9000 के अराउंड ऊपर हमारा था, वहाँ निफ्टी गया बट सस्टेन नहीं हो पाया, राइट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर मार्केट के पल्स पॉइंट्स पता है, राइट, आपको अगर मार्केट के पल्स पॉइंट्स पता है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कभी भी गलत मूव्स में नहीं फंसोगे. यहाँ पे आपने देखा था मॉर्निंग में ही वी हैड यहाँ पे बताया था कि प्रीवियस वीक हाई का जो इम्पोर्टेंस है, बैंक निफ्टी एटलीस्ट वहाँ पे सपोर्ट लिया था मॉर्निंग में इन अ वे, राइट. एंड काइंड ऑफ वहाँ पे अराउंड 720 के अराउंड प्रीवियस वीक का हाई था, तो सपोर्ट लेके ऊपर गया बट वो सस्टेन नहीं हो पाया. एंड वहाँ पे वी क्लियरली मेंशन कि इन अ वे अगर ये 19700 वापस ब्रेक करता है ऑन द डाउन साइड, तो काफ़ी एक इम्पल्सिव मूव आ सकता है. सो बोथ यू कुड सी निफ्टी, बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक करने के बाद देखिए नियरली 1000 पॉइंट्स का एक स्टीप फॉल हुआ है. तो जो भी एक एक्साइटेड बायर्स थे लेटर स्टेज में, यहाँ पे मार्केट ने पहले इनिशियली सेलर्स को ट्रैप किया है, एंड बाद में एक एक्साइटेड बायर्स भी थे, उनको यहाँ पे एक अच्छे से ट्रैप किया, राइट. सो प्राइस एक्शन नियर वीकली हाई एंड लो, स्पेशली इन मोमेंटम ट्रेड्स आपका जो रहता है वहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर सकता है. इफ़ यू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन कैसे पढ़ना है, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट. जस्ट उसके ऊपर बाय उसके नीचे सेल ऐसे करोगे तो आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे. आपको एक देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग, राइट. सो यही हम अपने स्टूडेंट्स को और यहाँ पे हम सिखाते हैं उनको किस तरीके से आपको लॉजिकली मार्केट में काम करना चाहिए, एंड आपको वहाँ पे किस तरीके के सिग्नल्स या प्राइस एक्शन के कंसेप्ट आपको मार्केट में देखने चाहिए, तो जिससे यहाँ पे रिवर्सल होता है. तो रिवर्सल के पहले भी मार्केट एक काइंड ऑफ एक बिहेवियर शो करता है, राइट. वो बिहेवियर आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं, राइट. एंड वो बिहेवियर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको हम बोलते हैं जनरली देर इज़ अ कंसेप्ट, जो आपको अगर आपको पता होगा या सुना होगा आपने कहीं, तो देर इज़ अ कंसेप्ट कॉल एग्जॉशन इन प्राइस एक्शन. तो मार्केट कभी भी एग्जॉशन जाने के बाद ही रिवर्सल होता है, उसके पहले जनरली हाई ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिवर्सल्स नहीं देते. तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आर प्राइस एक्शन. एंड काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जॉशन के बाद उनकी क्लैरिटी टू ट्रेड रिवर्सल ट्रेड्स काफ़ी क्लियर हो गई है, राइट. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ निफ्टी का भी हम देखें, निफ्टी अपना वीकली हाई 8460 के अराउंड था, उससे काफ़ी ऊपर था, राइट. काफ़ी ऊपर था एंड उसने वहाँ पे उसको ब्रेक जब किया है, राइट. सो जब ब्रेक भी किया था वहाँ पे, आई जस्ट मिनट आई गेस निफ्टी का जो वीकली हाई है, विल जस्ट सी.
यस, निफ्टी का वीकली हाई था 8670, तो 8670 के ऊपर ये काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम मिला है। एंड देन आज मोमेंटम लास्ट में जैसे बैंक निफ्टी का एक मोमेंटम थोड़ा वीक हुआ, निफ्टी ने भी बाद में एक काफ़ी बड़ा एक रिट्रेसमेंट पुश नीचे दिया है, राइट। सो निफ्टी ने भी एक एग्जॉशन जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे शो किया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो आज के स्टॉक्स है हमारे, तो स्टॉक्स जो आपको फर्स्ट स्टॉक दिया था JSW स्टील, राइट। एंड JSW स्टील काफ़ी एक, यू कुड सी दिस इज अ वेरी वेरी क्लीन कैंडल, काफ़ी बढ़िया क्रिटिकल जोन से निकला था एंड डिसीजन पॉइंट भी थोड़ा था, एक रिट्रेसमेंट आया लो वॉल्यूम, वॉल्यूम रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम कम था ब्रेकआउट से एंड वहाँ पे बाइंग एंट्री आपको मिली बहुत ही बढ़िया एक तरीके से दिया। तो ये एक अगर 9:30 के अराउंड भी उसने एक बाइंग एंट्री दी थी और बाद में भी आपको एक ट्रेंड बना के यहाँ पे एक बाइंग एंट्री दी, तो यहाँ से भी आपको 7 पॉइंट्स मिले हैं काफ़ी क्लीन एंड यहाँ से भी आपको अगर किया है तो अराउंड 10 पॉइंट्स से ज़्यादा आपको मिले हैं, राइट। एंड देन डेफिनेटली लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये भी मोमेंटम सेकेंड हाफ में मैक्सिमम स्टॉक्स, इवन इंडसइंड और RBL बैंक ने अपर सर्किट मार के वो लोग रिवर्स हो गए, इंडसइंड तो आई गेस नेगेटिव में बंद हो गया, राइट। सो दैट इज शोज कि मोमेंटम आपका वो है कि जब तक मोमेंटम है तब तक आप ट्रेड कीजिए, जैसे मोमेंटम रिवर्सल के साइंस आपको आते हैं आप वहाँ पे डो नॉट ट्राई टू इन अ वे कैच एट इन द फॉलिंग नेम। अब जो यहाँ पे गिरते गिरते किसी ने यहाँ पे मार्केट बहुत बढ़ गया बहुत बढ़ गया, कल का मार्केट देख के यहाँ पे जिन्होंने बाय किया, राइट, दिस एरिया में उनको बहुत ही बुरी तरह से मार्केट ने ट्रैप किया, राइट। सो इसलिए समझिए मार्केट को, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू, राइट, उसको रीड करना सीखिए। एज ऑलवेज से वी शुड नॉट एवर प्रेडिक्ट द मार्केट, हमें मार्केट को रीड करते आना चाहिए। आप प्रेडिक्शन में जाओगे तो आप हमेशा गलतियाँ करोगे, आप बायस फॉर्म करोगे, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू रीड द मार्केट एंड दैट इज़ द थिंग that will save a lot of your capital, lot of aapka energy and also avoid quite a bit aapka frustration ya jo hota hai aapko trading mein wo bhi aapka chala jayega, read karna seekhiye market ko। second sun pharma definitely kind of ek isne fast move tha 9:30 baje tak ye teeno decision zone break karke gaya tha, to ye first अगर एक आपको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आपको 420 के अराउंड यहाँ पे एक इसने एंट्री दी थी 423 के अराउंड, और दिस इज़ वेरी वेरी फास्ट एंट्री, राइट। एंड बाद में भी उसने रिट्रेसमेंट बना के डिसीजन जोन्स के वहाँ से वापस एक थोड़ा सा उसने एक मूव दिया था कंसोलिडेशन में गया, बट अगेन डे हाई जो बनाया था 445 के अराउंड सस्टेन नहीं हो पाया एंड मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स हो गया, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्ट हो रहे हैं, आपका स्टॉक्स भी यहाँ पे काइंड ऑफ लॉजिकली चले, ये कंजेशन में बंद था और ये रेंज जो है 430 से 445 की ये पूरे रेंज में लॉक था सन फार्मा। सो सन फार्मा इन अ वे वॉज लिटिल बिट लेस रिवॉर्डिंग बट JSW स्टिल हैड अ वेरी वेरी क्लीन मूव, राइट। सो अगेन जो आज का कंसेप्ट ऑफ द डे है पार्ट टू, हम वहाँ देखेंगे वीकली हाइज एंड लोज का। सो बिफोर दैट परफॉर्मेंस रिगार्डिंग दिस, तो यू कुड सी JSW डेफिनेटली वॉज मोर रिवॉर्डिंग एंड सन फार्मा इन अ वे वॉज क्वाइट ओके। तो वहाँ पे उसने मोमेंटम दिया बट मोमेंटम उसका ज़्यादा इन अ वे सस्टेन नहीं हो पाया, बाद में फर्स्ट 15-20 मिनट्स में वो काफ़ी फास्ट मूव हो गया, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा साइडवेज कंजेशन रेंज में लॉक था, राइट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका जो अकल हमने देखा था वीकली हाई लो के अराउंड आपको प्राइस एक्शन देखना है, अब हम देखते हैं आपको लोअर टाइम फ्रेम का, कल हमने वहाँ पे इतना क्लियरली देखा नहीं था, तो आज हम लोअर टाइम फ्रेम वहाँ पे आपको जो है वीकली हाई लो पे देखेंगे। तो वील स्टार्ट विथ काइंड ऑफ लेट्स से बैंक निफ्टी से ही हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी पे आप यहाँ देखिए 5 मिनट्स में, तो यहाँ पे आप जब इसने आया 710 पे तो एक रिट्रेसमेंट आया डेफिनेटली। अब लुक एट दिस जोन, ये जोन में जब वीकली हाई के अराउंड यहाँ पे इसने ट्राई किया सपोर्ट लेने का, एक भी एक क्लीन कैंडल ऊपर के डायरेक्शन में नहीं मिल रही थी उसे, तो बायर्स जो थे वो अचानक से मार्केट से गायब हो गए, कहाँ चले गए ये बायर्स, राइट। जो इतना सारा मोमेंटम है कंजेशन में डेफिनेटली है, थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाई हुई इनडिसीजन हुआ बट एक भी क्लीन प्राइस एक्शन आपको नहीं मिल रहा था। एंड एज सुन एज यहाँ देखिए ये कैंडल, लुक एट दिस ब्यूटीफुल रेड कैंडल जो यहाँ पे मार्केट ने
कन्विंसिंगली बनाई है, इसको ब्रेक किया, उसके बाद तो जैसे लगा कि मार्केट में ये बायर जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो एक्चुअली ये जो इम्पल्सिव मूव्स होता है, ये आपको मार्केट का रूल याद रखना चाहिए, जितना फास्ट मार्केट ऊपर जाता है उतना ही फास्ट मार्केट नीचे आता है, राइट। तो ये इम्पल्सिव मूव्स के, ये इम्पल्सिव जो हम बोलते हैं उसे, तो इम्पल्सिव मूव्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इम्पल्सिव मूव्स के रिट्रेसमेंट में जब बाय करने जाते हैं लोग, यहाँ पे बहुत बार आपको मार्केट ट्रैप करता है। अब किसी ने ये लेवल पे बाय किया होगा, किसी ने ये लेवल पे बाय किया होगा और देख रहा होगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, पूरा दिन ऊपर नहीं गया, यहाँ पे कहीं तो भी वो SL उसका हिट हो गया या कहीं वो लॉस में एग्जिट कर गया, राइट। यहाँ आपका एवरेज कहीं बना होगा। तो वही चीज़ है, ये पूरा जो चीज़ है, ये इम्पल्सिव मूव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, मैं इस पर एक बाद में हम वापस एक बार आपको कभी ऐसा लिखेगा तो वहाँ पे हम उसे और हाईलाइट करेंगे, बट ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। एंड लुक एट दिस वेरी वेरी क्लीन प्राइस एक्शन बिलो दिस लेवल, एंड उसके बाद लुक एट द मूव, एंड वी आर ऑलरेडी अपडेटेड, राइट। वो आपको क्लियरली बताया जो हमें 11 बजे के अराउंड ही हमने वहाँ पे अपने चैनल में वी हैड ऑलरेडी पुट कि प्रीवियस वीक हाई के बाद वहाँ पे रेफिलिस ने उसने पुश दिया। एंड यहाँ पे आपको डू वॉच, अगर आपको कंसेप्ट देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से नहीं किया तो कल का वीडियो डेफिनेटली आप वहाँ पे देखिए, राइट। एंड कमिंग टू द परफॉर्मेंस जो है, तो यहाँ पे भी आज हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा, एक JSW सन फार्मा में वन ऑफ मेंटीज ने काफ़ी बढ़िया ट्रेड किया है, वेरी गुड इन द फॉर्म ऑफ इन द साइड ऑफ अ ट्रेंड। सो 16 के अराउंड ये ऑप्शन में उन्होंने पुट में अराउंड ही ट्रेडेड अराउंड एंड गुड प्रॉफिट्स ही रियलाइज्ड ओवर देयर। एंड दिस वाज द व्हाट वी डिड, पुट सेलिंग जो हमारे मेंटी ने किया है तो वहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एंड ये हेजिंग के लिए उन्होंने कॉल में ही ट्राइड और वहाँ पे वो चला नहीं, सो दैट इज़ फाइन, बट स्टिल ही वॉज एबल टू मैनेज द ट्रेड क्वाइट वेल, राइट। एंड नाउ दिस ऑल्सो वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय ऑप्शन बाइंग ऑल्सो, ही फर्स्ट ट्रेडेड इन कॉल एंड लेटर उन्होंने पुट्स में वहाँ पे ट्रेड किया, तो वेरी वेरी काइंड ऑफ यू कुड से ये रिवॉर्डिंग, अगर आपको मार्केट को अच्छे से जिन्होंने पकड़ा है, इट कुड हैव बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग डे ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मार्केट, राइट। सो लोअर टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे हमने जो बैंक निफ्टी का देखा क्लीन, देखिए आपको यहाँ पे क्लीन दिख रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर नहीं मिल रहा था आपको, नीचे मिल रहा और नीचे मिला है, तो इसने काफ़ी एक बढ़िया सा मूव दिया। अब जो है हम वापस, लेट अस नाउ टेक और कोई स्टॉक हमारा JSW स्टील का ही हम एक तरीके से लेट अस सी देख लेते हैं। तो JSW स्टील तो वीकली हाई से बहुत ज़्यादा ऊपर था, राइट, डेफिनेटली, बट अब ये जो रिजेक्शन आया है, ये रिजेक्शन उसके दो वीक पहले का हाई था, तो उसके दो वीक पहले का जो हाई था 164.25, सो लेट अस नाउ लुक एट द लोअर टाइम फ्रेम एंड 164.25 पे हम एक काइंड ऑफ विल जस्ट मार्केट ओवर देयर 164.25, ओके, लुक एट दिस, इट केम सपोर्ट टुक सपोर्ट एंड लुक एट दिस कैंडल, वेरी वेरी क्लीन ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस लेवल, लुक एट द अच्छा खासा उन्होंने इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट बनाने का, ये कंजेशन भी ब्रेक हो गया, एंड इसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद तो 162 से 157 5 पॉइंट्स आपको ऐसी चुटकी में दे दिया उसने। सो दैट इज़ व्हाट, आपको अगर एक लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है एंड आपको पता है तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छा एक तरीके से यू कैन मेक मनी, राइट। सो दिस इज़ पार्ट टू, सो वीकली हाईज एंड लोज ऐसा नहीं है उसके नीचे आना है आपको सेल करना है, उसके ऊपर जाना बाय करना है, ऐसा मत करिएगा। आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, प्रीड करना, अगर आपको आता है प्राइस एक्शन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट ब्यूटीफुली, राइट, बहुत अच्छे से आप उस पर काम कर सकते हो एंड आप काफ़ी अच्छा, यहाँ पे भी देखिए जब उसने उसको ब्रेक किया, लुक एट द स्पॉट मोमेंटम एकदम से उसको 6 पॉइंट ऊपर लेके चला गया। तो यही चीज़ होती है, आप उसको समझिए, सीखिए प्राइस एक्शन को, यही हम अपने वीडियोस के थ्रू बताना चाहते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को भी डिटेल में, उनको तो हम सिस्टम वगैरह प्रॉपरली डिटेल में हम सिखा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जब तक हमें आपका पर्सनालिटी, आपका नेचर या समझ में नहीं आता, तो एक समझ में नहीं, हम वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला कैसे ग्रास्प करेगा उसे, बट
थैंक यू, हमें काफ़ी थैंक यू नोट्स आते रहते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है एंड हमें इससे काफ़ी अच्छा एक फ़ायदा हुआ है. सो दैट इज़ व्हाट हमारा एक मिशन रहता है कि एक आपको एक जेन्यून तरीके से हेल्प कर सके. एंड आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मार्केट में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, राइट? हमें जो भी चीज़ करनी है हमें वहाँ पे काइंड ऑफ वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. वर्क हार्ड मतलब एक स्मार्ट तरीके से आपको काम करना पड़ता है. इट्स डिफ़िकल्ट नहीं है मार्केट, बस आपको रीड करना है. जैसे अगर आप कोई भी चीज़ अगर रीड करना है, इसको आप सीख गए अच्छे से, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा. फिर आपको बस आपके जोन्स पे प्राइजेक्शन का या उसका वेट करना है और आप ट्रेड लेके आराम से उस ट्रेड में फिर रह सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जिट क्लियर होते हैं, आपका लॉजिक क्लियर होता है, तो आपका एक काइंड ऑफ जो परफॉर्मेंस है और कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है, राइट? सो आई गेस यही जो है बताना था मुझे आज के वीडियो में. एंड अगेन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने किया, अगर आपको बैंक निफ्टी की एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बुक भी चाहिए, तो यू कैन सब्सक्रिप्शन के बाद यू कैन सेंड अ स्क्रीनशॉट एट दिस नंबर, फाइन? सो विल बी बैक अगेन टुमारो विथ अ न्यू कंसेप्ट. एंड तब तक के लिए इन अ वे कीप लर्निंग, राइट? कीप एंड कीप ग्रोइंग, फाइन? सो ऐसे ही आप हमारे आपको अच्छा लगा तो कमेंट आप यहाँ पर डेफिनेटली डालिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को. तो इससे मोटिवेशन एक मिलते रहता है एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.